कीजिए हरमन व्लॉग्स को एंड हिट द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मैं आपको हरमन व्लॉग्स चाची का एक ऑनली फ्रेश व्लॉग लेकर। दोस्तों आज का हमारी वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है कैमरा। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। लेमन वाली बहुत कट्टी है। बेसिकली आज मुझे लेने जाना है, हो सकता है मैं ले भी लूँ और रिव्यू भी करने जाना है कैमरा। बेसिकली मैं व्लॉगिंग कैमरा देख रहा हूँ अपने लिए, तो लेट्स सी कौन सा कैमरा जो हमें पसंद आता है। यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ कैमरा देखने। आप पहुँचो, मैं जब तक एक मिनट में चलो कपड़े चेंज करके आता हूँ, आप ये रुकना ठीक है। चलो तो भैया, हमें यूट्यूबर ब्लॉगर सो प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट कैमरा फॉर ब्लॉगिंग। सो दिस कैमरा इज G7X Mark III। ओके मामा प्लीज। ओके, इट हैज 20 मेगापिक्सल, इट शूट्स 4K वीडियो। 4K वीडियो आल्सो इट हैज अ लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन। ओके, यूट्यूब डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग। डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग, यस। इट हैज अ फ्लिप LCD एंड टच फोकस। ओके, टच, so you can touch and focus on your desired area. okay, and this is Canon G7X Mark II. this one is G9X. G9X Mark II. but this is not suitable for vlogging. अच्छा, this is not for vlogging. because it doesn't have a flip screen LCD. yes, it has a fixed LCD. it is a fixed LCD. so you cannot go for this. no. See, this has face detection, it has auto control, you can hold the camera. Plus, just see the weight and all, no, Harman, it suits you. This has a mic in feature. तो इसमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन में ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है? ओके। वैसे इसका जो अपना माइक है वो भी बहुत सारा इंटरनल माइक है। और इसका जो है होता है कि ऑटो फोकस थोड़ी गड़बड़ाता है। नहीं, ऑटो फोकस बहुत स्मूथ है इसका। आपके यहाँ पर और एक अपडेट भी आता है इसमें? हाँ, फर्मवेयर अपडेट। इसके बाद वो फिर हो जाता है? वो सिर्फ 4K में थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो इसमें फ्लिप स्क्रीन का ऑप्शन ऐसे और ये ऐसे भी हो जाएगी। और वाईफाई भी, ओके। देखिए अभी लाइट कम हो गई ना, तब इसकी क्वालिटी देखिए, बिकॉज इट हैज 1.8 बिगर अपर्चर, सो लो लाइट परफॉर्मेंस इज नॉट बेटर। इसका रिकॉर्डिंग के लिए हम पहले इसको वीडियो मोड पे सेट करते हैं। ये इसका वीडियो मोड हो गया। अब दो ऑप्शन है, या तो आप किसी को टच करिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो ये देखिए अभी रिकॉर्डिंग का स्टार्ट है। क्वालिटी इसकी लो लाइट में भी बहुत अच्छी है। हाँ, और सबसे जो इस कैमरा की अच्छी बात मुझे ये लगी क्योंकि ये इतना हैंडी है, ये देखिए। मेन वेट है, लाइक वेट इज फाइन फॉर यू टू कैरी। कैरी भी कर सकते हैं अपनी पॉकेट में डाल के। और EOS M50 Mark II फ्लिप स्क्रीन तो अच्छी चीज है, पर होता है ना कि आई कॉन्टेक्ट नहीं होता था अपनी ऑडियंस से, तो वो उसमें ऊपर की तरफ स्क्रीन में होती है फ्लिप, तो उससे अपना अच्छे से बात कर पाओगे। सर, आपके हिसाब से बढ़िया कौन सा है इन दोनों में से? G7X Mark III ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट, उसमें लेंस भी लगाने की नीड नहीं है, और उसका लेंस भी बेटर परफॉर्मर है। लो लाइट, लो लाइट परफॉर्मेंस है। तो ये भी अच्छा, वैसे पर
ज़्यादा मुझे वही अच्छा लगा कैन G7X Mark III क्योंकि वो हैंडी है, उसको कहीं भी पॉकेट में रखा ले गए इसको तो। एंड मोर ओवर इट विल बी नॉट हैवी ऑन द ट्राइपॉड इफ यू फिक्स इट। ये थोड़ा सा हैवी भी है अच्छा एज कम्पेयर टू G7X Mark III। मुझे तो वही अच्छा लगा। तो इसमें हम लेंस चेंज कर इसमें इंटरचेंजेबल लेंसेज। इसका एडवांटेज ये है कि आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज माउंट कर सकते हैं विद लेंस अडैप्टर इंटरचेंजेबल लेंसेज। यस लेंस अडैप्टर एक क्लीन होता है। वी कैन माउंट ऑल EF एंड EFS लेंसेज विद द हेल्प ऑफ माउंट। और दिस इज कैनन 90D। ओके दिस इज फॉर प्रोडक्ट शूट वेडिंग फैशन। इट्स अ हैवी कैमरा हैवी कैमरा। And this is 80D is a vlogging camera. Vlogging camera is M6 Mark mirrorless camera or 200D Mark. Okay. M6 yes. Mark II also has this swivel LCD. Okay. Flip screen upper side. Flip screen upper side. जैसे G7X Mark III में. ये देखिए. But the price of this camera is 78,000. Okay. This is a little expensive. 78,000. पर G7X Mark की तो इससे ज़्यादा है। नॉट हाफ नहीं 53,000 का है ना। और इसमें भी गए आपको वाईफाई मिल जाएगा तो आप वायरलेस कैनन की ऐप आती है उससे आप अपनी वीडियो फोटो ट्रांसफर कर सकते हो जो कि अपने उसमें अपने नया पीस देंगे भैया ये क्यों देंगे। सर वो ऐसा दिखता नहीं। ये वीडियो में काम नहीं आती और ये जूम का बटन है। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये इसमें माइक नहीं लगेगा। माइक नहीं लगेगा और इसमें लिमिटेशन ये इसका लो लाइट परफॉर्मेंस भी इतना बेटर नहीं होगा। फिर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते आप। हाँ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी और इसकी लो लाइट में इतनी अच्छी नहीं है आपके। बाकी फ्लिप स्क्रीन तो है। फ्लिप स्क्रीन वाईफाई मोस्टली सभी कैमराज में लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर पाएंगे उसमें। इसमें एक्चुअली ब्लॉग कैमरा नहीं है जो ब्लॉगिंग कैमरा है उन्हीं में वो पॉसिबल हो पाता है। वो क्या फीचर है मतलब लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे होती है ना वो अपन सर आते हैं। कैमरा मैंने देख लिया कैनन G7X Mark III ये वाला ठीक है ना। और ये इतना बढ़िया कैमरा है। हाँ मम्मी हाँ ये टच स्क्रीन है इसमें वाईफाई सब कुछ है। ओके तो सबसे ज़्यादा बढ़िया ये कैमरा यही है तो व्लॉगिंग के लिए बेसिकली। तो मैं यही सोच रहा हूँ ये ले लिया जाए क्योंकि बेस्ट है यार। और क्या फिर रिव्यू और लेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ठीक है अभी देख लिया हमने। हाँ जी बढ़िया लगा। खोल दो गेट। थैंक यू। तो
ठीक है, मैंने कैमरा देख लिया है, मुझे तो अच्छा लगा, तो अब सोच रहे हैं अब ले ही इसको, अब देखते हैं उठाना कब है वहाँ से, लेना कब है। हाँ जैसे आप मेरी रिकॉर्ड करते हो, हाँ हाँ वो सही होना चाहिए, तो वो लाइट वेटेड ही हो तो तेरे लिए भी इजी है ना। हाँ बढ़िया था, बढ़िया था, उसको जैसे ट्राइपॉड पे भी लगाएंगे तो सही है बेसिकली, ठीक है ना, तो आई लाइक इट। ठीक है अभी आगे चलते हैं, कैमरा उड़ गया लगा था उसके बाद। हाँ अच्छा ठीक है अभी चलते हैं आगे। तो मैं कैनन स्टोर कनॉट प्लेस से वापस आ चुका अपने घर, और आज मैंने इतने सारे कैमरास देखे, पर जो मुझे सच में समझ आया ना वो है कैनन G7X Mark III। मैंने पोल भी डाला था कि सजेस्ट मी द व्लॉगिंग बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा, तो आप सबने कैनन G7X Mark III पे अपना प्यार दिखाया, और इवन मैं भी कैनन G7X Mark III की तरफ ही हूँ। तो ठीक है अब देखते हैं मैं जल्दी से जल्दी इसको कब बाय करता हूँ, और अनबॉक्सिंग वीडियो तैयार है आप लोगों के पहले सबसे आई जाएगी, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे यार वीडियो पे पहली बार आए हो, ऐसे वीडियो नहीं देखनी आपने, ठीक है सब्सक्राइब करके वीडियो देखनी है मेरी। मुझे अच्छा सा लगता है ना कि आप भी मेरी फैमिली, हरनूर लोग फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ अपनी जो भी मैं लाइफ में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसे लोग को ये पेंट करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चाहिए सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा देना, उससे क्या होगा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों सबसे पहले आ जाएगी जब मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डालूंगा। तो या और मेरा नेक्स्ट सेकंड चैनल है गेमिंग का खिलाड़ी जैसे, उस पर मैं गेमिंग के चलते रहता हूँ, 42,000 सब्सक्राइबर्स है मैं गेमिंग चैनल पे, हर व्लॉग चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, जल्दी जल्दी पूरा करो मुझे आप भरोसा, तब तक के लिए भाई मिलता हूँ अनदर व्लॉग के साथ, आई लव यू गाइस, कैमरा आने वाला है, आई लव यू गाइस। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.